हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू रोशीज एजुकेशन पॉइंट। आज हम बात करेंगे हिंदी टेक्स्ट बुक क्लास वन चैप्टर टू की। चैप्टर का नाम है आपका वर्णमाला, इंग्लिश में इसे बोला जाता है अल्फ़ाबेट। बच्चों, जब हम बात करते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ यानी कि आवाज़ें निकलती है। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखो। अब जब भी हम किसी से कुछ बात करेंगे ना, तो हमारे मुंह से कुछ ना कुछ आवाज़ तो निकलेगी ही। अब नीचे चित्र में माँ कहती है, मोहन यहाँ आओ। माँ क्या बोल रही है कि मोहन यहाँ आओ। मोहन ने आकर पूछा कि क्या बात है माँ। माँ और मोहन की बातों में कुछ विशेष ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे अब अगर मुझे बोलना है मोहन, तो पहले म बोलूँगी, फिर ओ की मात्रा लगाऊँगी, फिर ह बोलूँगी, अ की मात्रा लगाऊँगी, न बोलूँगी, अ की मात्रा लगाऊंगी, ये सब मिलके बन जाएगा मोहन। फिर यहाँ य बोलूंगी, अ की मात्रा लगाऊंगी और फिर ह की और आ की, इसका मतलब हो गया यहाँ। फिर आ की और ओ की मात्रा लगाकर बन गया आओ। बातचीत करने में छोटी बड़ी सभी प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो कुछ ध्वनि तो ऐसी होती है जो छोटी होती है, और कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती है जो बड़ी भी होती है। इन ध्वनियों में सबसे छोटी ध्वनि, जिसके और टुकड़े न हो सके, वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। ऐसी सबसे छोटी ध्वनि जिसके हम और टुकड़े ना कर सकें, जिनको और छोटे छोटे हिस्सों में ना बांट सकें, उसे ही हम वर्ण या फिर अक्षर कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। बच्चों, वर्णों को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है। क्रम के अनुसार लिखे हुए वर्णों के समूहों को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण क्या था? ऐसे अक्षर हैं, ये ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनके और टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं। तो जब इन वर्ण को एक क्रम में लिखा जाए, एक निश्चित क्रम में लिखा जाए, तो इनको हम वर्णमाला के नाम से जानते हैं। 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। मिलजुल कर करते हैं भाषा का रंजन। टोटल हमारे पास 11 तो स्वर होते हैं और 33 व्यंजन बन जाते हैं। अब एक बार हम वर्णमाला सीख लेते हैं। हम जब पहले पढ़ते थे, अ अ से आता है आपका अचकन, अभी हमारा बचपन। आ आ से आता है आ से आलू, खूब खाए कालू। ई ई से इडली, मन से खाए बबली। ई से ईद, बन जाओ मीत। ऊ से उपहार, दूसरों का प्यार। बड़े ऊ से ऊन, सर्दी का सुकून। र से ऋषि, देते हैं ज्ञान, करते हैं सदा अकेले की ध्यान। ए से एक, सोचो सदा नेक, हमें हमेशा अच्छी चीज़ें सोचनी चाहिए। ऐसे ऐनक, चेहरे की रौनक। ओ से ओढ़नी, चुरा न ले चोरनी। ओ से औरत, ममता की मूरत। अंग से अंगूर, ले न जाए लंगूर। अह है खाली, बजाओ सब ताली। अब यहाँ पर एक अभ्यास है, गिन कर लाओ अपनी माँ की माला के मोती, फिर गिन कर यहाँ पर देखो स्वरों की माला के मोती। स्वरों की माला में कुछ मोती खो गए हैं, उन्हें ढूंढ कर लिखिए। अब ये है आपकी स्वर की माला। अभी अभी हमने पढ़ा है तो अ, फिर आता है आ, फिर ई, ई तो गिवन है आपको, फिर बड़ी ई आएगी, फिर ऊ है तो ऊन का आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, इसके बाद ए एनक का, और फिर ए आ जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पर आपका र ऋषि का आ जाएगा, ओ और ओ आ जाएगा यहाँ पर। ये बन गए आपकी पूरी स्वरों की माला। चित्रों के नाम के शुरू के वर्ण पतंग में दिए गए हैं, उन्हें ढूंढकर आपको लिखना है। अ को अगर यहाँ लिखोगे तो बन जाएगा अखबार। फिर आ को अगर यहाँ लिखते हैं तो बन जाएगा आलू। उसके बाद है ई, ई को इधर लिखेंगे तो बनेगी इमारत।
उल्लू ए एड़ी ओ औरत। वृक्ष में दिए गए चित्रों को वर्णों से जोड़िए। अब यहाँ पर है अनार, अ से आएगा। आम, आ से जाएगा। इमली, सॉरी ईद, ईद आपका इससे जाएगा। औरत, ये रहा। इमली, ये रही। ऊन और आखिरी में आ जाएगा अंडा। दिए गए चित्रों के नीचे उनका पहला वर्ण लिखो। अनार अ से होता है, ईद ई से होती है, अंडा अंग से होता है, उसके बाद ऋषि र से होता है, ऐनक ऐसे होती है, अंगूर अंग से होता है। अब बात करेंगे हम व्यंजन की। जो वर्ण ध्वनियों के साथ बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। अब बोलते समय ध्वनियों के साथ साथ कुछ ना कुछ और भी ध्वनियाँ, कुछ और भी चीज़ें हम बोलेंगे, उन्हें हम व्यंजन का नाम दे देते हैं। हिंदी की वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। आओ व्यंजनों को सीखें। टोटल 33 हो जाते हैं यहाँ पे। क से कमल, इरादा है अटल। ख से खजूर, भाए मन को हुजूर। ग से गाजर, बढ़ाए सबकी नज़र। घ से घर, हम सब रहते उसके अंदर। ड छ से चटाई, लेट जा भाई। छ से छतरी, बारिश में रक्षा करती। ज से जग, पानी पी लो मन भर। झ से झरना, उसमें भीगने से न डरना। अब ऐसे भी कुछ व्यंजन होते हैं जिनसे कोई शब्द नहीं बनते हैं। ट से टब, उसमें नहाते हम सब। ठ से ठेला, भागा जाए लेकर केला। ड से डाकिया, नाम है भाटिया। ड से डपली, बजाती है बबली। ण से भी कोई शब्द नहीं शुरू होता है। त से तकिया, लगाता है जगिया। थ से थर्मस, क्यों है उमस। द से दरवाजा, खोल कर आ जा। ध से धनुष, खेले लव कुश। न से नदी, नाव आए बही, नाव जाए बही। प से पतंग, उड़ाए उमंग। फ से फल, खाए कोमल। ब से बर्तन, धोए रतन। भ से भवन, में रहता अमन। म से मछली, हाथ से जाए फिसली। य से यज्ञ, करते मर्मज्ञ। र से रथ, सरल करे पथ। ल से लड़की, बनाए मकड़ी। व से वन, खिले उपवन। श से शलगम, न हो बलगम। श से षटकोण, आईना न तोड़। स से सपेरा, मेरा भाई ममेरा। ह से हल, जोतेंगे थल। फिर ये दोनों व्यंजन खाली हैं। श से क्षत्रिय, शत्रु से नहीं मैत्री। त्र से त्रिशूल, भाई न शूल। ज्ञ से ज्ञानी, होता न अभिमानी। श्र से श्रमिक, होता न भ्रमित। ये था आपका चैप्टर 2, यहीं पे ख़त्म हो गया है। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।